गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है इस पर्सन के दिल में दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और किस एनर्जी में आपका पर्सन है इस वक्त, ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। ओके व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ आपको बता दूँ कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जोडियक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। और इस रीडिंग को आप अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देखी जा सकती है, या फिर कोई भी एक ऐसा इंसान जिसके बारे में लगातार आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है, तो उस इंसान के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके बस, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं द हर्मिट, एट ऑफ वांड्स, द हैंग्ड मैन, द लवर्स एंड जजमेंट। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज़ हैं जो इंसान द हर्मिट के मोड में नज़र आ रहा है। इस पर्सन का मूड ऑफ नज़र आ रहा है, ये पर्सन खुद को आइसोलेट कर चुके हैं और जो कुछ भी पास में हो चुका है उसके बारे में अगेन एंड अगेन सोचे जा रहे हैं। बार बार इस पर्सन के मन में वो थाट्स आ रहे हैं, उस तरह के ख्याल आ रहे हैं जो इस पर्सन को और भी ज़्यादा नेगेटिव किए हुए हैं। ये पर्सन पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं। इस पर्सन के मन में जो फीलिंग्स, जो इमोशंस हैं वो क्लियर यहाँ नज़र आ रहे हैं कि ये पर्सन अपनी ही गलतियों से सीख कर लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, पर ऐसा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये पर्सन इस वक्त ना तो आपसे बात कर रहे हैं और ना ही किसी और से बात कर रहे हैं। ये पर्सन खुद को आइसोलेट कर चुके हैं, काफ़ी अकेलापन और तन्हाई इस कार्ड से भी जाहिर हो रही है। आप देख सकते हैं द हर्मिट के मोड में ये पर्सन इस कदर है कि ये पर्सन किसी से मिलना, बात करना और अपने दिल की फीलिंग्स, जो भी दिल का हाल है ना, वो किसी से शेयर नहीं कर रहे, ऐसा यहाँ पर ये मंजर नज़र आ रहा है। और साथ ही ये जो इस तन्हाई में ये पर्सन है, खुद को अकेला महसूस कर रहा है। आपका साथ इस पर्सन को चाहिए पर ये पर्सन कह नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन अगर आपसे फाइट कर चुके हैं, इस पर्सन ने खुद ही आपसे ब्रेकअप किया है, तो ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेकअप का दर्द ही है जो इस पर्सन के दिल में है। और अब ये नेगेटिविटी भी इस पर्सन में आ गई है कि आप इस पर्सन का साथ छोड़कर जा रहे हैं, आप इस पर्सन से दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर द हर्मिट के कार्ड के साथ साथ हमारे पास एट ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो प्यार अब तक आप इस पर्सन को दे रहे थे, अब आप धीरे धीरे उस प्यार को किसी और में बांट रहे हैं, यानी किसी और को देने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और जो आपके मन में प्यार, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, हो सकता है इस पर्सन के लिए तो ख़त्म हो गए हैं। अब आप कहीं और ही अपना प्यार और अपना टाइम किसी और को दे रहे हैं, ऐसा ये पर्सन फील कर रहे हैं, इसीलिए ये पर्सन इस कदर नेगेटिव है। और इस पर्सन के एक्शंस की बात करें तो यहाँ पर इस पर्सन के एक्शंस इसीलिए स्लो हैं क्योंकि ये पर्सन नेगेटिव है, एक्शन लेने की पोजीशन में नज़र नहीं आ रहा। ये पर्सन चाहता ज़रूर है कि कोई मैजिक हो ताकि आप जो प्यार कहीं और किसी और में तलाश रहे हैं वो प्यार ये पर्सन आपको दे सके, पर इस वक्त तो ये पर्सन खुद इतना ज़्यादा नेगेटिव है कि ये पर्सन आपको ही एक ऐसी शक भरी नज़र से देख रहा है जहाँ पर इस पर्सन को आप पर ट्रस्ट नहीं रहा, ये चीज़ नज़र आ रही है। इसीलिए ये पर्सन हैंग्ड हो गई हैं। इस पर्सन के दिल में, दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, इस पर्सन को और भी ज़्यादा स्टक किए हुए हैं। एक्शन लेने का सोचता भी है तो ये पर्सन नेगेटिविटी की वजह से ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पर एट ऑफ वांड्स के कार्ड के साथ साथ हमारे पास द हैंग्ड मैन का कार्ड है। और ये कार्ड भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपका पर्सन इस कदर ओवर थिंकिंग कर रहा है कि और भी ज़्यादा नेगेटिविटी इस पर्सन के मन में आती जा रही है। इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर जो भी विचार इस पर्सन के मन में आ रहे हैं वो नेगेटिव विचार आ रहे हैं, इसीलिए पर्सन स्टक हैं। और आप दोनों एक दूसरे के ट्रू लवर्स होने के बावजूद भी एक दूसरे से दूर हैं, ये दूरियाँ और भी ज़्यादा बढ़ रही हैं आपके पर्सन के व्यवहार की वजह से, इस पर्सन की सोच की वजह से, इस पर्सन की नेगेटिविटी की वजह से, जो नेगेटिव थॉट इस पर्सन ने अपने मन में इस तरह कैद कर लिए हैं कि बार बार उन नेगेटिव विचारों को ही ये पर्सन अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा। और बार बार जो नेगेटिव विचार और इस पर्सन के मन में आ रहे हैं, इस पर्सन को और भी ज़्यादा गिल्ट का एहसास करा रहे हैं। तो ये पर्सन बस नेगेटिव है, एक्शन लेने का अभी नहीं सोच रहा नेगेटिविटी की वजह से, और आपको भी शक भरी नज़रों से देख रहा है ये पर्सन।
अब आप दोनों के बीच जो भी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है वो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा लोगों के लिए तो नो कॉन्टैक्ट ही नज़र आ रहा है और कुछ लोगों की ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी नज़र आ रही है। अगर आपका पर्सन आपसे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में बना हुआ है, कभी आता है कभी जाता है, तो ये दुविधा ये इसलिए भी है क्योंकि ये पर्सन शायद कहीं और स्टक है। ये चीज़ भी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर कोई भी एक ऐसी बात जो इस पर्सन ने अपने दिल पर लगा ली है वो अपने दिल से ये पर्सन निकाल नहीं पा रहे हैं। तो ये नेगेटिविटी इस बात की भी हो सकती है कि आपकी किसी बात का इस पर्सन ने इस कदर बुरा माना है कि ये पर्सन अब खुद को इस स्टक एनर्जी से बाहर नहीं निकाल पा रहा, उन नेगेटिव विचारों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। तो ये जो नेगेटिव विचार बार बार इस पर्सन के मन में आ रहे हैं, यही वजह है कि इस पर्सन ने आपके साथ में दूरियाँ और भी ज़्यादा बढ़ा ली हैं कि अगर ये पर्सन चाहे भी तो इन दूरियों को कम नहीं कर पा रहा क्योंकि पॉजिटिव नहीं सोच पा रहा। इस वक्त इस पर्सन के दिल का हाल कुछ ऐसा ही है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस किसी से शो नहीं कर रहे, सिर्फ एक नकाब लगाकर घूम रहे हैं। एक मुखौटा इस पर्सन ने अपने चेहरे पर लगा लिया है, अंदर से कुछ है बाहर से दिखा कुछ रहे हैं। तो इस तरह अगर आप इस पर्सन को हंसता मुस्कुराता हुआ देख भी रहे हैं तो इस पर्सन के दिल में जो गम है जो दर्द है वो छुपा हुआ है इस पर्सन के दिल में ही। इसलिए पर्सन बैलेंस करने में लगा है अपने इमोशंस को अपनी फीलिंग्स को कि काश कि ये पर्सन खुद को हील कर सके और इस नेगेटिविटी से बाहर आ सके, आपके बारे में भी पॉजिटिव सोच सके। ये पर्सन कोशिश तो कर रहा है पर कर नहीं पा रहा है, ये चीज़ नज़र आ रही है। और साथ ही यहाँ पर द लवर्स एंड जजमेंट के कार्ड इस बात की तरफ इशारा है कि आपका पर्सन जजमेंट चाहता है आपको इस पर्सन से और इस पर्सन को आपसे। जो भी उम्मीदें थी आप दोनों की, उम्मीदें टूटी हैं। ये जो टूटी हुई उम्मीदें हैं ना, यही आप दोनों को एक दूसरे से जुदा रखे हुए हैं। आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे से जो एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ नहीं हुआ। आप दोनों को वो प्यार वो सम्मान वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जिसकी आप दोनों ने तमन्ना की थी और आपने कोशिश की थी इस रिश्ते को निभाने की, पर आप नहीं निभा सके इस रिश्ते को आपके पर्सन की वजह से। गलती आपकी नहीं है, पर्सन ही आपका ऐसा है, शक की मिजाज है ये इंसान। और इस पर्सन की लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है इस पर्सन के शक की वजह से हो रहा है। तो ये पर्सन थोड़े से शकी हैं, आप पर शक करना जैसे कि इस पर्सन की हैबिट सी बन गई है। इसलिए भी इस रिश्ते में दूरियाँ हैं। आपका रिश्ता कुछ भी क्यों ना हो, हस्बैंड वाइफ हो या फिर आप किसी भी रिश्ते में इस वक्त बंधे हुए क्यों ना हो, पर हाँ आप दोनों एक दूसरे का ट्रस्ट खो चुके हैं। ये चीज़ नज़र आ रही है, आप अपने पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। और उसी तरह इस पर्सन की सिचुएशन भी सेम नज़र आ रही है, ये पर्सन भी आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो आप दोनों ने एक दूसरे का ट्रस्ट खो दिया है, आप दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी पजेसिव हैं, इसलिए शायद आप दोनों इस कदर एक दूसरे से प्यार करते हैं। यही प्यार का परिणाम है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर जितने पजेसिव हैं उसी की वजह से आप दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। प्यार नज़र आ रहा है पर दूरियाँ भी नज़र आ रही हैं, ट्रस्ट इशूज़ भी नज़र आ रहे हैं। आपका पर्सन हैंग नज़र आ रहा है, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को दबाते हुए नज़र आ रहे हैं और गलतियों के बारे में भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। जजमेंट चाहते हैं आप दोनों ही इस रिश्ते में, आपको एक दूसरे का साथ चाहिए ये चीज़ भी नज़र आ रही है, पर खुलकर एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर पा रहे और ना ही आप एक्शन ले पा रहे हो और ना ही ये पर्सन, आप इस पर्सन की वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे हो और ये पर्सन अपनी नेगेटिविटी की वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे। तो आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार होने के बावजूद भी इस पर्सन की वजह से, इस पर्सन की नेगेटिविटी की वजह से ये रिश्ता टूटता जा रहा है और भी ज़्यादा दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं। ओके बस, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।